हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली से यहां करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ा आपने, रिफ्लेक्शन पढ़ा आपने, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसका एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में मिलता है, जैसे हीरा डायमंड जो कि अपने चमक के लिए जाना जाता है। ठीक है, वो तो लिमनेस है नहीं, उसके पास तो अपना प्रकाश होता नहीं है, फिर भी वो चमक के लिए जाना जाता है। आखिर वो कैसे चमकते रहता है, तो यही कारण है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक ना, और भी बहुत सारे घटनाएं हैं जो इस पर बेस्ड हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिनों में रोड पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि रोड पर पानी जैसा व्यू आता है, व्यू है पानी पानी, लेकिन सामने जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे गाँव के भाषा में क्या बोलते हैं, लजा जाते हैं। होता है ना, आप गए कि पानी है भाई, लेकिन वहां पानी तो मिलता नहीं है। ठीक है, ये चीज है। वहीं अगर रेगिस्तान की बात करें जहां पर क्या बालू ही बालू है, ठीक, वहां पर क्या होता है, हद हो जाता है भाई, पानी तो दिखता ही है, साथ में जैसे तालाब के किनारे पेड़ पौधे होते हैं ना और तालाब में उसका छाया बनता है, वैसे आपको बनता हुआ दिखाई देता है, लगता है कि पेड़ मतलब बगल में पानी है और उसमें क्या चीज, अगल बगल वाले पेड़ पौधों का इमेज है, खासकर टॉल ट्रीज, लंबे जो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक ना, पौधा लंबा कैसे हो सकता है, पेड़ क्या बात हो रहा है। ठीक ना, ये देखिए, समझ में आ रहा है सब बात। चलिए, तो क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। नहीं, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको याद दिला दें कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं ना, ठीक, और उसका रिलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ पढ़े हैं। आप पढ़े हैं स्नेल्स लॉ, जिसमें आपको बताया गया है साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक ना, ये क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। पीछे के लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि एन टू वन को हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई, तो एन टू बाई एन वन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, या इसको लिख सकते हैं वी वन बाई वी टू स्पीड ऑफ लाइट के केस में। क्लियर है, यहां पर ए N2 क्या होगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, N1 क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक ना, आपको पता है ना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देख लीजिए पिछला लेक्चर। चलिए, क्लियर है ना इतना, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या, कि मान लेते हैं यहां पर देखिए, एक हम पानी का कंटेनर ले लिए, ठीक है, और ये रहा इंटरफेस होगा ये मीडियम का, मतलब इसमें हम पानी भर चुके हैं। ठीक ना, ये एक्स वाई क्या मान लिए, इंटरफेस है, यहां एक्स वाई क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, यही ना। ये मान लेते हैं कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम ले लेते हैं एयर, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है ना, लाइट को हम अभी डेंसर से रेयर मीडियम में ले जाएंगे, तो डेंसर से रेयर मीडियम ले जाने का मतलब यहां से यहां, वाटर डेंसर है और ये क्या है, रेयर है। समझ में आ रहा है बात, वाटर क्या है, डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है। हम कोई एक लिमनस ऑब्जेक्ट रख दिए यहां पर जिससे लाइट निकल रहा हो, समझ गए ना, लिमनस क्या, जिससे लाइट निकल रहा हो, जैसे टॉर्च। ठीक, यहां से लाइट निकला आया भाई, और क्या हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब यहां सवाल है कि रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, नहीं, रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, लाइट अपना पाथ चेंज किया, इस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन सवाल ये है भाई कि जहां जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां वहां रिफ्लेक्शन भी होता है, हैं, क्या बोल दिए सर, हाँ ठीक से, जहां रिफ्लेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्शन हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन भाई ओपेक सरफेस से होता है, ओपेक अपारदर्शी से, ठीक ना, अपारदर्शी से होता है ना, उसके समय रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि मीडियम तो लाइट चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब यहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब, तो इस केस में केवल लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। समझ गए ना, अब आप कैसे कह सकते हैं सर, तो बता रहे हैं ना, चश्मा जो आप देखते हैं ना, चश्मा कभी कभी चश्मे में आपका इमेज दिखाई देता है, ये तो ट्रांसपेरेंट है भाई, ठीक है, इमेज दिखाई दे रहा है, और कोई चीज आपको तब दिखाई देता है जब लाइट वहां से आप तक गया हो, यानी कि लाइट निश्चित तौर पर यहां आकर आपके आंखों तक गया है, तभी नहीं दिखाई दिया, यहां रिफ्रैक्ट हो रहा है, लाइट इस मीडियम से पास कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है भाई, मीडियम चेंज करने पर उसका पाथ बदलाव होता ही होता है। ठीक है, लेकिन साथ में आप इस पर बना इमेज देख पा रहे हैं, इसका मतलब लाइट यहां से टकरा कर आप तक गया है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी हुआ है। तो याद रखेंगे, अगर दो स्टेटमेंट आपके लिए हो, क्या क्या, कि जहां रिफ्लेक्शन होगा,
जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां रिफ्रैक्शन हो या ना हो ये पता नहीं है, ये गारंटी नहीं है, समझ गया ना, ये गारंटी नहीं है। लेकिन जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां रिफ्लेक्शन निश्चित होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक साथ होता है, समझ में आ रहा है बात ना। ठीक, जैसे रिफ्लेक्शन मान लेते किसी मिरर से करा रहे थे, मिरर से तो रिफ्लेक्शन केवल होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, लेकिन वही कांच होता तो लाइट आर पार होता, ठीक है, मीडियम चेंज करके जाता तो वहां रिफ्रैक्शन होता और साथ में लाइट थोड़ा रिटर्न भी होता, यानी कि रिफ्लेक्शन भी होता। तो यहां पर भी जितना लाइट क्या रिफ्रैक्ट हुआ ना, कुछ लाइट क्या हो रिफ्रैक्ट हुआ तो कुछ रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, समझ गया ना, कुछ क्या हुआ होगा रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी कि यहां पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। अभी लाइट कहां से कहां जा रहा है भाई, तो लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक ना, नॉर्मल से दूर भागेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। हम एक काम करते हैं, इसका रेशियो तो आपको अच्छे से पता है कि कांस्टेंट होता है, ठीक ना, जब जब आप इस एंगल को बढ़ाएंगे ये एंगल अपने आप बढ़ते चला जाएगा। हम एंगल बढ़ाने का मतलब क्या होगा, तो थोड़ा सा ये ऐसा कंसिडर कीजिए कि यहां आया तो ये एंगल जो होगा, मान लेते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई डैश है, और ये ग्रेटर है किससे, पहले वाले एंगल से, तो यहां रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा और बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़ा दिए भाई, अब आई डबल डैश मान के चले हैं हम एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किससे है, तो पहले वाले से ज्यादा है। अब देखिएगा ना कि इस एंगल के लिए मान लेते हैं क्या चाहिए, ये जो लाइट क्या हो रहा है इधर आते जा रहा है, ये इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल रहा है, इसको बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ते चला जा रहा है, और एक केस ऐसा रहा है कि किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, होगा ना। ध्यान सुनिएगा, अभी तक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों, कुछ लाइट इधर आ रहा हम दिखा नहीं रहे सब जगह, फिगर गंदा दिखने लगेगा, क्या चीज कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक ना। अब यहां पर देखिए जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा था वो धीरे धीरे इसी मीडियम की तरफ आ रहा है, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया है 90 डिग्री हो गया है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, जिसको आई सी से दिखाते हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और सी क्या चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री, और ये घटना कब हो रहा है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तब, क्लियर है ना। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बनेगा कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल, समझ में आ रहा बात। अब थोड़ा सोचिए, इससे जरा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, जरा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे जरा सा भी, तो क्या होगा, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा था वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अब बताइए यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ग्रेटर देन आईसी है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, समझ में आ रहा बात ना। अब आप ही बताइए क्या कि अब क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस केस में आपका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब टोटल उसी मीडियम में आ गया लाइट, पहले से तो कुछ आ ही रहा था, अब जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा था वो भी उसी मीडियम में आ गया नहीं, तो ये तो रिफ्लेक्शन हुआ ना। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी घटना को रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस हैं क्या, कि लाइट को कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम, पहला कंडीशन। दूसरा क्या चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड कुछ बातें क्या है भाई, वो ये है कि मीडियम का पेयर बदलेगा तो मीडियम का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू भी बदल जाएगा, क्यों नहीं बदलेगा भाई, मान लेते हैं कि अब एयर था तो इतना मुड़ा, अगर इसके जब पर ग्लास नहीं इससे रेयर मीडियम में कोई और लेकर चलते हम तो क्या होता, अलग होता, नहीं समझ में आ रहा बात। मान लेते हैं ग्लास होता और इधर वाटर है, ग्लास इधर क्या चीज वाटर, तो ग्लास से वाटर हो जाएगा तब भी डेंसर से रेयर जा रहा है, इस केस में जितना ये मुड़ा एयर में मुड़ा क्या उतना क्या वाटर में मुड़ता नहीं ना मुड़ता, मतलब तो नहीं मुड़ेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अलग होगा जिसके लिए 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है बात। ये चीज है, मतलब आपको साफ ये याद रखना है कि पेयर ऑफ मीडियम है, ठीक ना, तीन पेयर ऑफ मीडियम के लिए मीडियम पर डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा,
मतलब दो अलग अलग मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बदल सकता है, ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं क्या है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक ना, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, ठीक ना, देन तब द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, जिसके लिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। क्या है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है ना, ये चीज है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, तो देखिए क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, मीडियम के क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए तब क्या होगा, टोटल लाइट कम इनटू द सेम मीडियम, तो उसी मीडियम में आ जाता है, ठीक ना, ठीक। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हो गया ना। और भी इसमें मिर्च मसाला लगाकर क्या चीज लैंग्वेज देंगे, आप लोग मेहनती बच्चे हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहला लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये लिखेंगे कि क्या, जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां रिफ्लेक्शन होता ही होता है, ठीक ना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ टेक प्लेस, ठीक, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, क्रिटिकल एंगल, एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स, ये लिखेंगे, उसके बाद आराम से हो जाएगा, ये चीज है। तो इसमें क्या है, क्रिटिकल एंगल का हम थोड़ा इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको पी नाम दे देते हैं और स्नेल्स लॉ यहां पर अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है भाई, साइन आई बटा साइन आर, आर यहां पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इक्वल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम यहां पर कौन है, लाइट यहां से जा रहा है, जिससे जाता है वो पहला, जिसमें जाता है वो दूसरा, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इसके रेस्पेक्ट में, ठीक ना, ये रहा। और अगर आप चाहते हैं क्या कि नहीं, हमको इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदल देना है, तो याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बदलेंगे, तो साइन आई बटा साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा, बोलिए 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 बोलिए, एन टू वन के जगह पर क्या हम 1/n12 लिख सकते हैं, भूल गए क्या बताए थे कि एन टू वन क्या होता है, ये ठीक, कैसे लिख सकते हैं ना, यहां से अगर साइन अरे आई का वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा क्या चाहिए, साइन इनवर्स 1/n12, ठीक है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, बस ये याद रखना है। अगर इस मीडियम बदलने का हो, न्यूमेरिकल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना, ये है। बस आपसे ये है कि ये टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सोचने के ऊपर है, वीडियो को लेक्चर को रिपीट करके देखेंगे आराम से, समय में आ जाए, क्योंकि इस पर हम और अभी का भी क्वेश्चन करा सकते थे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड बहुत सारे घटना है, जैसे ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड जो चमकता है, ठीक ना, ये और बहुत सारा घटना है जो अभी नाम लिए इस वीडियो में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक ना, उसके लिए ये कंप्लीट होना जरूरी है, इसलिए आप इसको कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक, तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तब क्या होता है, किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और आपको पता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन निश्चित होता है, यानी कि इस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस देते हैं, तो जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा था वो भी अब रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसी मीडियम में लौट जाता है, ठीक ना। तो इसी घटना क्या चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक ना। क्रिटिकल एंगल क्या है, ये सब के सब आप आराम से देखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब आप सब भूलेंगे नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।